सामने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े उच्च न्यायालय जो बनाए हैं, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक है तो उच्च न्यायालय हम गए हैं, हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय दिलवाएगा। और जो FIR जो पुलिस लॉन्च नहीं करी है तो उसके खिलाफ में भी हम जा रहे हैं कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फेयर तरीके से होने चाहिए। जो हमारे जो कंट्री में इतने लॉ बने हुए हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या हमारे लिए एक भी लॉ काम नहीं करेगा? जनवरी में जब आप ये जो ब्रिजभूषण सिंह है ये भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं और ये मौजूदा सरकार है वो भी भाजपा की है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की भी चुप्पी है और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कोई बयान दिया नहीं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले जनवरी में आप आए थे, आपको एक कमेटी का झांसा दिया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट जगह जगह होते हैं, जिला जिला तौर पर आप एक खिलाड़ी मालूम है, लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, उन खिलाड़ियों को यहाँ पर आके रातें गुजारनी पड़ती है, तो सरकार आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? आपका क्या कहना है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। ये शायद मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो क्यों से ही सवाल है आपके थ्रू, ये सरकार से सवाल है कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है, तो ये आप उनसे पूछिए कि आप क्यों चुप बैठे हैं। आप खिलाड़ी जब मेडल जीतते हैं तो आप खूब प्यार और मान सम्मान देते हैं, अब खिलाड़ी जब रोड पे बैठे हैं अपने न्याय के लिए बैठे हैं तो उस टाइम पे आप चुप क्यों हैं? तो और रही बात कमेटी की, कमेटी ने जो चीजें कमेटी में हुई हैं वो सभी को आर्टिकल आए थे, हमने भी आर्टिकल के माध्यम से पता चला और कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया ना कोई बर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है? सीधा सवाल है कि वो बीजेपी के सांसद है तो बीजेपी की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सरकार से तो कोई बयान नहीं आ रहा जबकि देश के खिलाड़ी यहाँ पर आके रातें गुजार रहे हैं, तो कोई सरकार का प्रतिनिधि आएगा आपके साथ? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के लिए, हम ना कोई बीजेपी से है ना कांग्रेस से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, ना हरियाणा से है ना हम पंजाब से है, हम हिंदुस्तान के खिलाड़ी है, हमें इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और रही बात बीजेपी से है, डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फायदा मिल रहा है कि वो बीजेपी से हैं, वो सांसद हैं और गवर्नमेंट का प्रेशर है या गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर है या उनका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, ये हमें पता नहीं है किसका किस पे प्रेशर है। पैसे की ताकत है वो सब दिखती है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है, उस सच्चाई की ताकत में हम जी जान से लड़ेंगे और हमारा पूरा देश हमारे साथ में, और आप लोग जो साथ में हो तो हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और आपके माध्यम से भी मैं सभी जितने हमारे एक रेसलिंग के नहीं जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जैसे कोई भी गेम हो उनसे भी हम समर्थन मांगेंगे, उनको भी बोलेंगे कि ये कुश्ती की लड़ाई नहीं है, आने वाले सभी खेलों के भविष्य की लड़ाई है ये। और जितने भी हमारे संगठन है, चाहे वो महिला संगठन है, किसान संगठन है, पंचायत है, खाप है, हम सबसे समर्थन मांगेंगे कि खिलाड़ियों की जो ये लड़ाई है इनमें सब आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो ये जो अब पर्दे के पीछे हो रहा है ये खुलेआम होगा, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बच्चे। तीन चीजें लिखी हैं कि एक उस रिपोर्ट से जो पता चला है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो थी वो ढंग से नहीं बनी हुई थी, जो 2013 में होनी चाहिए थी एक्ट के अनुसार। दूसरा ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन की जरूरत है बिटवीन द फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स पर्सन। और तीसरा लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी, ये OC की रिपोर्ट से पता चला है। जो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है? क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए, तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो यही है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं।
कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते कि जनता के सामने बताओ भाई को उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सबकी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है। क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के सामने। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लो भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती, और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चल रहा है। नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे अगेंस्ट में ये हमारे साथ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रांग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना, आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है? वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है या वो क्या है? देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायत आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है, हम सिर्फ हाँ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम सब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि ये एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें? हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है वो, ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है, हम पूरे देश के हैं। तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और पिछली बार जो भी हुआ उससे उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ सपोर्ट करो, खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। साक्षी, अभी तक यूपी के जो रेसलर्स हैं, यूपी के रेसलर्स अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है, क्या ब्रजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेस हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है, तो क्या आप लोग कहेंगे यूपी के रेसलर्स को? आप लोगों के खिलाफ देखो रोज लाखों ट्वीट करवा रहे हैं, लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। देखिए, वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है, तो उस चीज का हमें कोई दिक्कत नहीं, लिखवाए वो, पर जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। क्योंकि नहीं फोन धमकी अभी तक नहीं आई है, इतने तो वो नहीं है कि भाई बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम तो फ्रंट
फुट पे है, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, ठीक है हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे अटके। यूं नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड में। आप लोग से ये सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात अभी मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लेरिफिकेशन, हरियाणा और यूपी। हाँ जी मैं बताती हूँ, ब्रजभूषण ने खुद ही रूल बनाया था। मैं बताऊंगा, जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं? हाँ, अर्जुन अवार्डी भी हैं यूपी के, और ओलंपियन भी पहलवान हैं। अच्छा, नाम नहीं बताना। जब आप यहाँ बैठी थी तो बबीता फोगाट यहाँ पर आई थी, जो आपके परिवार से ताल्लुक रखती है और भाजपा में से भी जुड़ी हुई है, उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि वो सरकार का पक्ष लेके आई, उनकी बातचीत लेके। क्या इस बार अगर कोई मध्यस्थता के लिए आता है, क्या आप उसके लिए राजी रहेंगी या डटी रहेंगी यहाँ पर इसी तरीके से? देखिए, वो मध्यस्थता के लिए आई थी, अभी वो सरकार के प्रेशर में है या किस चीज में प्रेशर में है, वो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा उनको पार्टी अच्छी लगती होगी, क्योंकि वो पहले थी खिलाड़ी, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रही है। तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमने पहले ट्रस्ट करके धोखा खा लिया है, अब कोई भी अगर बातचीत करना चाहेगा तो सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे। दूसरा, अब की बार हम बातचीत नहीं करेंगे, जो हमारे बड़े पहलवान है, जो हमारे गुरु खलीफा है, जो बड़े बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जिनमें समझ है, बहुत सारे द्रोणाचार्य आए हुए हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। कंप्लेंट थाने में दी गई है, वो जो इंसिडेंट है वो कितने टाइम पीरियड के हैं, कब से इस तरीके की बातें हो रही हैं? जब से ब्रजभूषण आए हैं तब से लेके और अभी करंटली जो चीजें चल रही हैं, अब तक की इनके बीच में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब कंप्लेंट में है। कितना समय मान लें, 4 साल 5 साल? ताजा भी कंप्लेंट है, 12 साल से जो है ना, 12 साल से लेके जो काला चिट्ठा जो उनका है, जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक है, उस हर कंप्लेंट, हर लड़की कंप्लेंट में वही। तो कभी आप लोग आगे जो इंटरनल कमेटी है या उसके पहले आप लोगों ने इसके पहले कंप्लेंट की थी? कहाँ करते, कोई कमेटी थी ही नहीं। साक्षी कमेटी की मेंबर बना रहा कि साक्षी को जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठी उस दिन पता चला कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में कोई कमेटी है और उसकी मेंबर है साक्षी। और जो कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो महिला होती है और 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, उसमें सिर्फ साक्षी है, तो वो कमेटी ठीक नहीं थी। और वो अगर हम बोले भी ब्रजभूषण के खिलाफ में, उसी कमेटी में जाके बोलना मतलब कि अपने हाथ से अपने पैर काटना, खुद के हाथ में तलवार लेके। तो बोला गया था कि एक नाम लेकर के जारी कैसा हुआ और बाद में वहां जाकर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जब तक एक्शन नहीं हो जाता, जब तक उस पे अरेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। बजरंग एक सवाल था, पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन पे बैठे थे तो उस समय WFI में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके, यौन शोषण को लेके, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी आप लोगों ने मांग रखी थी और उसपे कहीं ना कहीं सहमति बनी थी जब खेल मंत्रालय से कमेटी बनाई गई। इस बार टारगेट केवल और केवल ब्रजभूषण शरद सिंह है, जो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि टारगेट ब्रजभूषण शरद सिंह को